देखो फ्रेंड्स यार, बात ऐसी है कि बहुत ही सिक्योरिटी इशू हो गया है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे व्हाट्सएप के अकाउंट्स कई लोग के हैक हो रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे वीडियो को बनाना चाहूँगा क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सिक्योरिटी इशू हो गए हैं जो कि इंडियन आर्मी में भी पोस्ट किया है कि आप इसे अलर्ट रहें, क्योंकि ये हैकर्स कहाँ के हैं, चाइना के हैं। और हम किसके ज़्यादातर ऐप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, चाइना के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसे सिक्योर रहें और इस बारे में बचते रहें। तो दोस्तों, जो बात हो रही है यहाँ पे चाइनीज हैकर्स की कि क्या कर रहे हैं, वो सारा डेटा हम लोग के ले रहे हैं, कहाँ आप जाते हैं, कहाँ खाते हैं और क्या क्या आप कर रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। व्हाट्सएप से ले रहे हैं, कई बार ऐप से ले रहे हैं, कोई अलग अलग ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं उससे ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये कैसे ले रहे हैं और क्या कर लेंगे आपका ये डेटा लेके, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्या हो रहा है ना कि हैकर्स क्या कर रहे हैं, अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जाके जुड़ जा रहे हैं। और जुड़ने का मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपके सारे जो व्हाट्सएप के जो बातें हैं वो सारे आप देख रहे हैं, वो आप भी देखेंगे, आप दूसरे को शेयर करेंगे, लेकिन वो व्हाट्सएप का वो दूसरा चाइनीज बंदा भी देख रहा है, वो सारी रिकॉर्डिंग्स रख रहा है। और आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों कि कौन सा चाइनीज है और कौन सा भाई इंडियन है? तो आपको पता होगा हर एक देश का एक नंबर पिन होता है, जो कि हमारे इंडिया का +91 है, चाइना का है +86। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइनीज जो नंबर है वो स्टार्ट हो रहे हैं +86 से। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ +86 से नहीं बचना है, बाकी और भी देशों के कोड्स आते हैं, तो आप और देशों के कोड्स के साथ जान सकते हैं कि दूसरे देश का ये बंदा है, तो उसे कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप में कभी ऐड ना करें गलती से भी। दोस्तों, ये अपने आप ही ऐड हो जा रहे हैं, तो आप सतर्क रहिए। अगर आप ग्रुप के एडमिन है दोस्तों, तो वहां से आप ग्रुप से रिमूव कर दीजिए और ध्यान दीजिए कि आप कोई भी गलत ऐप इंस्टॉल ना करें। दोस्तों, कई लिस्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अलग अलग व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन रहे हैं और या फिर अलग अलग ऐप्स हैं जो आपसे परमिशन मांग रहे हैं, जिससे आप उसे एक्सेस देके उसका क्या कर रहे हैं, सारा डेटा अपना भेज रहे हैं। मान लीजिए आपको, आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया जिसमें परमिशन मांग रहा है, चार परमिशंस हैं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि मोबाइल पकड़ते हैं, हाथ लगाते हैं उंगली और फटाफट अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हमें तो टाइम नहीं है ना, हम टाइम तो दे नहीं सकते हैं। तो टाइम दीजिए दोस्तों, ये ऐसी बात नहीं है कि आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, पहले आप देखिए क्या एक्सेस मांग रहा है। अगर वो माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है और आपने इंस्टॉल किया है ऐप ऐसा जिसमें माइक्रोफोन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो आप उस ऐप को माइक्रोफोन का एक्सेस क्यों देंगे? कहीं ये तो नहीं कि आपकी सारी वॉइस रिकॉर्ड करके वो भेज रहा है, या फिर आप कैमरे का एक्सेस दे रहे हैं लेकिन वो कैमरा से रिलेट करता ही नहीं है। मान लीजिए यूसी ब्राउजर है, यूसी ब्राउजर पे आप वीडियोस देखते हैं लेकिन कैमरा का कब यूज करते हैं? या फिर तभी यूज करेंगे जब फेसबुक से फोटो क्लिक करनी हो, तो फेसबुक ऐप भी आप रख सकते हैं, उससे बचिए दोस्तों। जो चाइनीज ऐप है, यूसी ब्राउजर है, 360 सिक्योरिटी है, सीएम क्लीनर है और ढेर सारे ऐप्स हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आपको मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दे दूं जहां से आप देख सकते हैं। ये सारे ऐप्स को आप मत इंस्टॉल करें, क्योंकि ये ऐप्स क्या करते हैं ना कि सारे परमिशन आपसे मांगते हैं और सारा डेटा इस समय चाइना में भेज रहे हैं। अब दोस्तों, क्या हो रहा है कि सारे वॉर्स तो न्यूक्लियर मिसाइल्स से लॉन्च करके या फिर और तरीके से लड़े नहीं जा रहे हैं, हो गई टेक्नोलॉजी वाली दुनिया। और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में दोस्तों क्या हो रहा है, सब लोग सारे यूजर्स को किल करना चाह रहे हैं, एकदम मतलब असली में किल नहीं लेकिन सारा डेटा उसका लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे चाइना यही ट्राई कर रहा है कि सारे डेटा ले लें। तो दोस्तों, ये वीडियो सबको शेयर करिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करिए या फिर फेसबुक पे शेयर करिए, लेकिन दोस्तों को और लोग को, अपने दोस्तों को या फिर अपने पेरेंट्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को अवेयर जरूर करिएगा दोस्तों कि यहाँ पे सिक्योरिटी इशू हो गई है। व्हाट्सएप में आप बच के रहिए दोस्तों, देखिए आप ग्रुप में आपके +86 से कोई नंबर नहीं ना स्टार्ट है, और या फिर +86 या फिर कोई प्लस दूसरा नंबर से स्टार्ट नहीं है, फटाक से उसे रिमूव करिए अगर आप ग्रुप के एडमिन है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारे अलाउंस आप देख लेंगे, अगर ध्यान देंगे तो आप इससे बचे रह सकते हैं, आपका डेटा ट्रैक नहीं होगा। और जितने भी चाइनीज ऐप है दोस्तों, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, बहुत ही खतरा हो रहा है इस समय और चाइनीज हैकर तो लगे हुए हैं, साथ साथ रसिया के भी हैकर्स लगे रहते हैं। तो दोस्तों, इस सबसे सिक्योर रहिए आप। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं जानते तो बस ये ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप पे +86 से स्टार्ट हो रहा नंबर, उसे ये सारे हटा दीजिए, और जो ऐप्स आप चाइनीज यूज कर रहे हैं उसे भी हटा दीजिए दोस्तों। आपका
सारा डेटा नहीं तो ट्रांसफर हो सकता है। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है दोस्तों दूसरे को शेयर करना ताकि और लोग भी इसके बारे में अवेयर हो सके। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय। फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा कि इसे लाइक करें चाहे ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों ताकि और लोग का भी अवेयरनेस बढ़ा रहे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं टेकी नोट। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को कि हम इसी तरह के वीडियोस लेकर आते रहते हैं।